ओके सो ऑलराइट गाइस, हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा मैजिक होने वाला है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि टिकटॉक के ऊपर स्लो मोशन वीडियो जो वो काफी ज्यादा वायरल होते हैं, और अभी जो एक स्लो मोशन का काफी ज्यादा ट्रेंड सा चल गया है, हर लोग जब वो स्लो मोशन वीडियो बना रहे हैं उनमें से एक स्लो मोशन वीडियो जो वो काफी ज्यादा अभी वायरल हो रही है जिसका ट्यूटोरियल मैं आज आपको देने वाला हूं। तो अभी मैं वो वीडियो अभी आपको प्ले करके दिखाऊंगा और उस वीडियो का आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूं आज के वीडियो में। तो पहले वो आप वीडियो देख लो। तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूं। ओके सो ऑलराइट गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे दोस्तों कि वीडियो जो काफी ज्यादा कूल लग रहा है देखने में। और दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूछा भी था कि आपको अगर इस वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि भाई मुझे इस वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए, तो इसलिए मैं इस वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आया हूं। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा ट्रेंड में चला हुआ है अभी दोस्तों, आप डेफिनेटली अगर इसके ऊपर वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियो जो वायरल होने की काफी ज्यादा चांसेस है। ओके सो और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ट्रेंडिंग हैशटैग्स बताऊंगा जिसको आपको अपने स्लो मोशन वीडियो में लगाने हैं ताकि आपकी वीडियो ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो गाइस यार, ये जो बंदा मैंने अभी आपके सामने वीडियो प्ले किया दोस्तों, इस बंदे ने जो वो आईफोन से शूट किया है और आईफोन से सारा काम हुआ है इस वीडियो का। लेकिन दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एंड्रॉइड फोन से इस तरीके का वीडियो कैसे बना सकते हैं। जी हां, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अभी का भी लाइक कर दो। जैसे हर स्लो मोशन को मेरे वीडियो को प्यार देते हो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भी काफी ज्यादा प्यार दोगे। सो गाइस यार सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ, उससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लो। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं नेट मैकेनिक्स यूट्यूब चैनल। चैनल पे नया तो पता है आप क्या करना है, सब्सक्राइब मारो, आसपास में कहीं रेड कलर का बटन होगा उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बगल में नोटिफिकेशन बेल होगा उसको जरूर से एनेबल कर देना, और भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो गाइस सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके सो ऑलराइट गाइस, दोस्तों अब जो मैं आपको यहां पर से प्रोसेस बताने वाला हूं उसको आप जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना दोस्तों। अगर आप यहां पर जो समझ गए दोस्तों, तो आप जो है वो स्लो मोशन के किंग बन सकते हैं टिकटॉक के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपको कुछ इस तरीके का वीडियो को शूट करना है अपने एंड्रॉइड फोन के कैमरे से, और दोस्तों आपका जो पोज होगा वो आपका होगा। मैंने कुछ इस तरीके का पोज किया है, आपको जैसे पोज करना है आप वैसे कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके सो ऑलराइट गाइस, दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा जो कि वन एंड ओनली पावर डायरेक्टर। दोस्तों मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया, लेकिन वहां से आपको वाटरमार्क आएगा। अगर आपको मोडेड ऐप का लिंक चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करना, मैं आपको जरूर से जो वहां पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मोडी पीके का, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया गया है। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, 9:16 वाले रेशियो पे क्लिक करके आपको ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, बहुत लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कमेंट में कि भाई तू बार बार स्लो मोशन के ऊपर ही वीडियो बनाता है। भाई मैं ट्रेंड के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, जो ट्रेंड चलता है भाई वही मैं अपने व्यूअर को बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के पास दोस्तों आईफोन नहीं होता है मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स के पास, इसलिए दोस्तों मैं एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बनाता हूँ। तो जो भी अगर यार कमेंट करते हैं इस तरीके से, प्लीज़ ना करें यार, हर वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है हर एक वीडियो के पीछे, तो प्लीज़ इस तरीके के कमेंट ना क्या करें तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होगा मुझे। उसके बाद आपको दोस्तों कैमरे पर क्लिक करना है, कैमरे पर क्लिक करने के बाद आपको वो वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है जिसको अपने अपने प्राइमरी कैमरे से शूट किया था, प्लस पे क्लिक करके आपको इसको इम्पोर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है ध्यान से समझना, यहाँ से जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है उसको आप बड़े ध्यान से समझना। उसके बाद आपको यहाँ पर से बेकार हिस्सा को जो है कट करना है, तो यहाँ पर से मैं आ रहा हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर से जो बेकार हिस्सा उस पर लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कट का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना। उसके बाद आपको जो आपने जो कट किया उसके ऊपर क्लिक करके आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। दोस्तों जितने डिटेल्स से मैं आपको स्लो मोशन सिखाता हूँ उतना डिटेल से आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको इस जो वीडियो का ऑडियो को म्यूट करना है। जी हाँ, ऑडियो को म्यूट कर दिया मैंने। उसके बाद आप लोग यहाँ, मैंने यहाँ पर पोज दिया, और ये पोज देने के बाद आपको यहाँ पे फिर से पॉज करना है, उसको यहाँ पे फिर से एक कट लगाना है। उसको नेक्स्ट पोज जो आपने दिया आप वहाँ पे लेके अपने वीडियो को चले जाए, तो नेक्स्ट पोज जब वो मेरे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, फिर से मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज करूँगा, कट लगाऊंगा, और ये बेकार हिस्सा जो इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा। उसको नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान से समझना है दोस्तों। तो ये यहाँ पर से मैं पोज दिया हूँ, यहाँ पर से ये इतना काफ़ी ज़्यादा काफ़ी है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कितना सा आपको रखना है इसमें। तो ये बहुत हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे पॉज करना है, फिर से यहाँ पे कट लगाना है, और आपको चल जाना है नेक्स्ट पोज की तरफ जो कि नेक्स्ट पोज आपने दिया होगा। तो नेक्स्ट पोज जो है वो मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मैं यहाँ पर से आ रहा हूँ, फिर से यहाँ पे मैं लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे कट पे क्लिक करके ये जो बेकार हिस्सा है, जितना भी यहाँ पे बेकार हिस्सा है उसको यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है कि नेक्स्ट पोज जो आप यहाँ पे से दोगे, तो यहाँ पर आपको पोज जैसे ही कंप्लीट होगा आपको यहाँ पे पॉज पे क्लिक करना है, और आपको जो है ये वाला भी यहाँ पर से लेयर पे कट लगा देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ना है, जो भी आपने नेक्स्ट पोज दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पोज है मेरा वो क्या है मैं देख लेता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट पोज जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या है।
तो ये रहा मेरा वो नेक्स्ट पोस्ट। उसके बाद आपको इस पे लेयर पे क्लिक करना है, कट पे क्लिक करके ये बेकार हिस्सा जो है उसको डिलीट कर देना है। तो ये इतना सा हिस्सा को आपको रहने देना है और आपको यहाँ पे फिर से लेयर पे क्लिक करके कट करना है और ये हिस्सा भी आपको डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर से मैं आपको स्लो मोशन अप्लाई करने के लिए सिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको कट करने के लिए बताया एंड्रॉयड यूजर्स के लिए दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले वीडियो प्ले करना है और यहाँ पर आपको वीडियो को फिर से पॉज कर देना है। पॉज करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कट पे लगाना है। कट लगाने के बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है, स्पीड पे क्लिक करना है और आपको इसके स्पीड को स्लो कर देना है। जी हाँ, स्लो कितना करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्लो आपको रखना है 0.35x, ठीक है, सारे इसमें। उसके बाद आपको नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट पोज ये रहा आपका, ये यहाँ पर आप आएँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे फिर से लेयर पे क्लिक करना है, फिर से कट पे क्लिक करना है, फिर से आपको इस लेयर पे क्लिक करना है, पेंसिल पे क्लिक करना है, स्पीड पे क्लिक करना है, फिर से आपको 0.35 कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट पोज की तरफ जैसे ही मैं यहाँ पे आया, उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पे इस लेयर पे क्लिक करना है, कट करना है, फिर से आपको इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है, पेंसिल पे क्लिक करना है, स्पीड पे क्लिक करके 0.35 वाला आपको यहाँ पे इफेक्ट लगा देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट पोज जो है वो मेरा ये रहा। तो नेक्स्ट पोज में ये जैसे मैं आया, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये यहाँ पे आपको रोकना है वीडियो। उसके बाद आपको लेयर पे क्लिक करके फिर से कट पे क्लिक करना है, फिर आपको इस लेयर पे क्लिक करके, पेंसिल पे क्लिक करके, स्पीड पे क्लिक करके आपको स्पीड को 0.35 कर देना है। जी हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ एक बारी। तो वीडियो देखो, तो आप देख पा रहे हो कि काफ़ी कूल लग रहा है स्लो मोशन। और अभी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, अभी इसमें आपको थोड़ा सा स्टेप और करना है। तो ये यहाँ पर से मैं आया, ये यहाँ पर से स्लो मोशन आप लोग देख पा रहे हो, मेरा स्लो मोशन लग चुका है। और दोस्तों एंड्रॉयड स्मार्टफोन से दोस्तों काफ़ी सही है दोस्तों, आप अगर देखोगे एक तरीके से। तो ये यहाँ पर से स्लो मोशन में आप लोग देख पा रहे हो कितना प्रोफेशनल लग रहा है दोस्तों एंड्रॉयड स्मार्टफोन से। तो आप इस तरीके से जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, अगर आप इस तरीके से फॉलो करके बनाओगे तो काफ़ी अच्छा आप बना सकते हो। तो ये आप लोग देख पा रहे हो, ये यहाँ पर फाइनल है दोस्तों, यहाँ पर 28 सेकंड का वीडियो बना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे तीर वाले आइकन पे क्लिक करके प्रोड्यूस वीडियो पे जाके सेव टू गैलरी करके आपको एसडी में यहाँ पे प्रोड्यूस कर देना है। अभी दोस्तों काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपको एक स्टेप यहाँ पे और करना है। तो जब तक ये एक्सपोर्ट हो रहा है तब तक वेट करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो एक्सपोर्ट हो चुका है, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करके आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको फिर से इसके इंटरफेस में आ जाना है, न्यू प्रोजेक्ट में आना है, 9:16 वाले रेशियो को सिलेक्ट करके ओके करना है। और आपको पावर डायरेक्टर में आपने जो ये वीडियो एडिट किया, आपको उस वीडियो को जो आपने अभी फाइनलाइज करके एडिट किया उसको आपको जो यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो फटाफट से मैं उस वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे से जो वो मेन काम स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे प्ले करते वीडियो और यहाँ पर आपने जैसे पॉज दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देना है दोस्तों। पॉज करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर से जो कुछ ज़्यादा बड़ा हिस्सा दोस्तों स्लो हो गया, तो आपको यहाँ पे वीडियो को जो है इतना सा रख के आपको पॉज करना है, कट लगाना है। कट लगाने के बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों ये यहाँ पर से जहाँ पर से आप जो ये पॉज दे रहे हो आपको वहाँ तक जो इस वीडियो को ट्रिम कर देना है। लेयर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कट करना है और आपको ये बेकार हिस्सा इसका डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉज की तरफ बढ़ना है। तो ये नेक्स्ट पोज आपका ये रहा, ये नेक्स्ट पोज ये रहा आपका। जैसे ही आप यहाँ पे आए तो आपने यहाँ पर ये वाला आपने दिया पोज, उसके बाद आपको क्या करना है फिर से यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है। एक बार आपको थोड़ा सा और प्ले करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से रोक देना है, कट करना है, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आपको बढ़ना है। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर से जितना भी बेकार हिस्सा है यहाँ पर से इसको आपको यहाँ पर से डिलीट कर देना है, ताकि वीडियो आपका छोटा बने, 12-15 सेकंड का बने, उसके बाद आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप आए हो, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि बस ये इतना सा हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से इस लेयर पर क्लिक करके कट पर क्लिक करना है, उसको जहाँ तक आप खड़े हुए हो वहाँ तक आपको जो है वो ट्रिम कर देना है। तो यहाँ पर से जितना जो है वो बेकार हिस्सा है, तो यहाँ पर से जो है आपको क्या करना है कि इतना सा जो है आपको यहाँ पे कट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि 18 सेकंड का बचा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, इसको भी आपको ट्रिम करना है। तो ये यहाँ से मैं आया, ये यहाँ पे स्लो मोशन हो गया मेरा। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉज करके रोक देना है और आपको यहाँ पे ट्रिम वाले आइकन पे, कट वाले आइकन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। ये आपका वीडियो जो फाइनल बन के रेडी हो चुका है। अब बस इसमें आपको ऑडियो लगाना है और ऑडियो लगा के टिकटॉक पे पब्लिश कर देना है। दोस्तों याद रहे, इसमें आपको हैशटैग जो लगाना है वो लगाना है #slowmo, #slowmotion, #for you, #for you page और #trending। जी हाँ, ये इतने हैशटैग्स आपको इस वीडियो में लगाने हैं दोस्तों। ये सारे हैशटैग आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं दे दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको म्यूजिक सेट करना है। म्यूजिक सेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ओपन में ऊपर में ऑप्शन होगा वीडियो और ऑडियो का। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है म्यूजिक में, जा करके आपको अपना कोई भी म्यूजिक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपको यहाँ पर लगाना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक म्यूजिक लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको म्यूजिक बड़ा हो गया, तो इसको आपको क्लिक करके यहाँ से आपको कट करके इसको डिलीट कर देना इतना सा। उसके बाद आपको तीर वाले आइकन पर क्लिक करके प्रोड्यूस वीडियो पे क्लिक करके आपको एसडी में सेव कर देना है। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको सारा प्रोसेस जो है, सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से, और आपको स्लो मोशन वीडियो बनाने में इस तरीके की आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
सो गाइस यार बस आज के इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा मेरे भाई। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना, दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। सो गाइस यार मैं आपसे मिलता हूँ किसी न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय।